विंटर स्पोर्ट्स डेस्टिनेशन गुलमर्ग में चौथे खेलो इंडिया विंटर गेम्स की मेजबानी जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के लिए निश्चित रूप से एक गौरवपूर्ण पल है। मैं देश के विभिन्न हिस्सों से आए हुए 600 से ज़्यादा एथलीट्स, उनके कोच, टीम मैनेजर्स, सपोर्ट स्टाफ का विंटर गेम्स के स्नो स्पोर्ट्स इवेंट्स में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत में स्पोर्ट्स के एक नए युग का उदय हुआ है और स्पोर्ट्स पर्सन को वह मान सम्मान, संसाधन और सुविधाएं मिल रही हैं पिछले 9 वर्षों से जो किसी भी विकसित देश के खिलाड़ियों को मिलती रही है। ऐसा अवसर अनेक दशकों बाद इस पीढ़ी के स्पोर्ट्स पर्सन के जीवन में आया है, इसलिए आप सभी को दुगने उत्साह से सभी चुनौतियों और बाधाओं का सामना करते हुए आने वाली पीढ़ी के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करना है और एक ऐसा उदाहरण जो एक सफल खेल की विरासत का निर्माण कर सके। मुझे विश्वास है कि आज से शुरू हो रहा यह चौथा खेलो इंडिया विंटर गेम्स भावी एथलीट्स के प्रेरणा के लिए प्रेरणा स्रोत साबित होगा। आने वाले 4 दिन इन खूबसूरत और चुनौतियों से भरे स्लोप पर युवा प्रतिभाओं के जोश, उनके हुनर और विभिन्न विधाओं में उत्कृष्टता का जश्न मनाया जाएगा तथा यूनिक टैलेंट्स को सम्मानित भी किया जाएगा। अगले 4 दिन गुलमर्ग की वादियों में स्कीयर्स के स्की टेक्निक, मूवमेंट मोशन, टाइमिंग, माइंड बॉडी बैलेंस और उनके साहस तथा मजबूत कैरेक्टर की परीक्षा होगी। मैं मानता हूँ स्नोबोर्डिंग, अल्पाइन स्की, नॉर्डिक स्की जैसे कंपटीशन स्पोर्टिंग स्पिरिट को बनाए रखने का सर्वश्रेष्ठ अवसर साबित होंगे तथा अलग अलग स्टेट से आए हुए सभी एथलीट्स के बीच सद्भाव, भाईचारा, आपसी समझ और मित्रता को भी बढ़ावा मिलेगा। मैं सभी खिलाड़ियों, आयोजन से जुड़े सभी कर्मियों, अधिकारियों और विंटर के प्रशंसकों को बेहद सफल और यादगार चौथे खेलो इंडिया विंटर गेम्स के लिए अपनी एक बार फिर से शुभकामनाएं देता हूं। मुझे ये विश्वास है देश भर से आए हुए खिलाड़ी, देश भर से आए हुए एथलीट इस बार पूरा जोश के साथ, अपनी पूरा ऊर्जा के साथ इस बार अपना बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे और उसके साथ साथ मेडल जीतने का काम भी करेंगे। जम्मू कश्मीर के एलजी, उनको भी मैं, मनोज जी को भी मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा। जिस तरह से खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पर बनाने का उन्होंने प्रयास किया और उसके साथ साथ यहाँ की हर गांव में एक जो है मैदान बनाने का कार्यक्रम किया, ये मैं कहूँगा एक माइलस्टोन हो सकता है वो सभी स्टेटों के लिए जो अभी भी स्पोर्ट्स में पीछे रह गया है। आज बहुत ही कम समय में जम्मू कश्मीर का खेल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ युवाओं को खेल के लिए जो भी सरंजाम देने का व्यवस्था जम्मू कश्मीर में किया गया है, मैं उसका भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं।